मेरा नाम इम्तियाज काजी, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर, EE-203 सेकेंड इलेक्ट्रिकल को मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल बता रहा हूँ। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन इसका है कंडक्टर, दूसरा है सेमी कंडक्टर, तीसरा है इंसुलेटर, चौथा है मैग्नेटिक मटेरियल्स। कंडक्टर वो होते हैं जिनमें धारा का संवहन बड़ी आसानी से हो जाता है, और सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनमें शुद्ध रूप से धारा का संवहन नहीं होता, लेकिन अशुद्धियां मिलाने में उनमें धारा का संवहन हो जाता है। और इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें धारा का संवहन बिल्कुल भी नहीं होता। कंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, लो रेजिस्टिविटी मटेरियल और हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल। जिनकी रेजिस्टिविटी कम होती है वो लो रेजिस्टिविटी मटेरियल कहलाते हैं, उनमें धारा का संवहन बड़ी आसानी से होता है, एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर इत्यादि। हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स वो होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और कंडक्टिविटी कम होती है। इसके एग्जाम्पल टंगस्टन, प्लेटिनम, मैंगनीन और ज़्यादातर जो एलॉयज होते हैं वो हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स के अंदर आते हैं, जैसे नाइक्रोम वगैरह। फिर सेकेंड पार्ट है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर दरअसल पीरियोडिक टेबल में फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। अगर इनमें अशुद्धि मिला दी जाए तो ये दो प्रकार के बन जाते हैं, एक प्योर और एक इम्प्योर। प्योर शुद्ध रूप से एज ए इंसुलेटर की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन इम्प्योर होने पर ये कंडक्टर की तरह व्यवहार करने लगते हैं। अगर फोर्थ ग्रुप में थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी मिला दी जाए, जैसे एल्युमिनियम, गैलियम, तो ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाता है, और इसमें धारा का संवहन होल्स द्वारा होता है, क्योंकि फोर्थ ग्रुप में थर्ड ग्रुप की जब मिलाते हैं तो एक जगह बच जाती है, इसलिए वो होल्स ही इस करंट को लाता ले जाता है। इसी तरह से दूसरे के अंदर अगर अपन फिफ्थ टाइप की इम्प्योरिटी मिला दी जाए, जैसे फॉस्फोरस, बिस्मिथ इत्यादि, तो ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर कहलाता है। जब फोर्थ में फिफ्थ मिलाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन शेष बच जाता है, वो इलेक्ट्रॉन ही धारा संवहन का कार्य करता है। फिर तीसरा इसका पार्ट है इंसुलेटर। इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें धारा का संवहन बिल्कुल ही नहीं होता। ये अकॉर्डिंग ऑफ स्टेज तीन प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में जैसे प्लास्टिक, पीवीसी, रबर, ग्लास, लकड़ी ये आते हैं। लिक्विड के अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल, मिनरल ऑयल इनको लिया जाता है, और गैस ये इंसुलेटर्स में हाइड्रोजन, SF6 इनको लिया जाता है। दूसरा इनका इंसुलेटर का क्लासिफिकेशन होता है बेस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे YAEBFHC, और इनको बांटने का आधार इनका टेम्परेचर रेंज है। जैसे जो 90 डिग्री तक काम करते हैं उनको वाई इंसुलेटर कहते हैं, जो 105 डिग्री तक काम करते हैं वो ए कैटेगरी में आते हैं, जो 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करते हैं वो ई कैटेगरी में आते हैं, जो 135 डिग्री तक काम करते हैं वो बी में आते हैं, और जो 155 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करते हैं वो एफ में आते हैं, 180 तक एच में आते हैं, और अबव 180 सी कैटेगरी में आते हैं। एक अगला क्लासिफिकेशन और होता है जो जिनको अपन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, यानी कि चुंबकीय पदार्थ। इनको तीन भागों में बांटा गया है, डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और इनको बांटने का आधार रिलेटिव परमिबिलिटी है म्यू आर। अगर म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1 है तो डायमैग्नेटिक कहलाते हैं, यानी कि प्रतिचुंबकीय। अगर म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं, यानी कि अनुचुंबकीय। और जिनकी म्यू आर की वैल्यू 1 से काफी ज्यादा होती है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। फिर फेरोमैग्नेटिक को भी दो भागों में बांटा गया है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। फेरो के एग्जांपल जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल ये होते हैं, और इनको बांटने का आधार स्ट्रेसिस लूप को लिया गया है। जिनके स्ट्रेसिस लूप का एरिया कम होता है वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं, और जिनके स्ट्रेसिस लूप का एरिया ज्यादा होता है वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। सॉफ्ट के एग्जाम्पल हैं जैसे सिलिकॉन स्टील, सॉफ्ट फेराइट्स, और हार्ड के एग्जाम्पल कोबाल्ट स्टील,
एल्निको, टंगस्टन स्टील इत्यादि को इसमें हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में लिया जाता है। तो ये मोटे मोटे रूप से ये क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल है। थैंक यू।